गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेस का द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स द टेम्प्रेरी एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्टली वी शुड डिस्कस अबाउट द टेम्प्रेरी हार्डनेस। टेम्प्रेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर एंड इट इज रिमूव बाय फर्स्टली बॉइलिंग, क्रैक मैथड। फर्स्टली बॉइलिंग, ड्यूरिंग द बॉइलिंग सॉल्युबल ME HCO32 is converted into insoluble MgOS2। Means क्या होता है कि जब आप boil करते हो water को तो ये वाला जो compound है, ये वाला जो complex होता है, ठीक है बच्चे, मतलब क्या है कि जो अगर आपने temporary hardness को remove करना तो हम क्या करते हैं, boil करते हैं। जब boil करोगे तो MgHCO32 जो होता है बेटा वो convert हो जाता है insoluble MgOS2 में, ठीक है, and CaHCO32 जो हो जाता है वो इनसॉल्युबल CaCO3 में। इट इज़ बिकॉज द हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH2 एज कम्पेयर टू MgCO3, ठीक है बच्चे। और क्या होता है, MgOH2 क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। जस्ट आपने समटाइम कभी कभी देखा होगा जब वाटर आप बॉयल करोगे ना तो वाटर के ऊपर वाइट वाइट सी छोटी छोटी ना लेयर नहीं कह सकते हो, अब मलाई जैसी थोड़ी सी जम जाती है, तो वो बेटा क्या होता है, MgOH2 करके ही होता है, ठीक है। दिस प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, और बाद में क्या करते हो, हम इसे फिल्टर कर लोगे तो वो क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल में तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, और जैसे इजीली आप उसे फिल्टर करोगे वो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह एग्जांपल दिखा रहा है, जब भी आप इसको हीट करते हैं ये बनता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, सेम उसमें भी है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है बेटा क्लार्क मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड क्या होता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइम वाटर को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं किसमें, हार्ड वाटर में। लाइम वाटर लेते हैं, हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट द कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वो प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। जैसे पीछे मैंने समझाया था, प्रेसिपिटेट करने के बाद क्या होता है, फिर इजीली वो इनसॉल्युबल हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, वो इनसॉल्युबल हो गया वाटर में, और फिर आप उसको इजीली फिल्टर करके निकाल सकते हो। ये इनका बेटा रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि ये किसके प्रेजेंस करके होता है, सॉल्युबल साल्ट मैग्नीशियम और कैल्शियम करके, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स इन वाटर। किसके फॉर्म में, क्लोराइड सल्फाइड्स किसमें, वाटर में। परमानेंट हार्डनेस जो होता है, इट नॉट रिमूव बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस को बेटा जो ऊपर वाले मेथड से आप रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी रिमूव बाय फॉलिंग मेथड। इसके लिए बेटा कुछ डेडिकेटेड मेथड बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन या एक्सेट्रा मतलब बोल सकते हो। इसमें क्या करते हैं, हम सीधा ही उस वाटर को क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट। सेम बेटा प्रोसेस एक सेम ही है कि रिएक्ट कराना है किसी एक डेडिकेटेड चीज़ से, मतलब कि एक स्पेसिफिक चीज़ से हम उसे रिएक्ट कराते हैं, और सेम ऊपर वाले की तरह वो प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। जैसे ही आप MCl2 को आप इस और बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराओगे, ठीक है बच्चे, तो ये तीन प्रोडक्ट बना देगा, और इसमें से जो ये वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा बच्चे, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, और इजिली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसी तरह MSO4 जो है उसको आप बेकिंग सोडा से रिएक्ट कराओगे तो भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएगा और वो इजिली रिमूव हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कैल्गोन मेथड होता है, इसमें क्या होता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट कमर्शली कॉल्ड कैल्गोन, हम ऐड करते हैं हार्ड वाटर में, ठीक है। और जैसे ही ऐड करोगे हार्ड वाटर में क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे आप लोगे बेटा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट लोगे तो उसमें क्या होगा, सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे और Na4P6O6O18-2 नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें M जो है वो मैग्नीशियम कैल्शियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, M2 लेते हैं, M मतलब कोई भी इनमें से एक, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव या कैल्शियम 2 पॉजिटिव लेते हैं, और ये जो आपके पास ये निकला ना इसको फिर इसमें ऐड करते हैं, और इसके बाद आपके पास ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, साथ में ये बनेगा, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स अनायन कीप्स द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस इन द सोल्यूशन, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या करेगा कि मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम को क्या करेगा, सोल्यूशन में अलग कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम
इसके बाद आपने बेटा ये वाला बेटा रहने देना, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता सारे सारे मेथड करने की, 3 मेथड बेटा इनफ है। तो अगर एग्जांपल आ जाए कि व्हाट डिड यू मीन बाय, मतलब कि ऐसे हो सकता है राइट अबाउट टेम्परेरी एंड हार्डनेस एंड देयर हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट वाटर, मतलब आपको बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी सिंपल आ सकता है। टेम्परेरी हार्डनेस के नेम से क्वेश्चन आ सकता है, साथ में ये भी पूछा जा सकता है किस तरह आप इसे रिमूव कर सकते हो, हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो हो सकता है उसमें टेम्परेरी का ही पूछ ले या परमानेंट का ही पूछ ले, या तो इनको अलग अलग ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये वाला नहीं करना है ये कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, आपका टेंशन मत लो। तो इसके बाद जो है बेटा आयन एक्सचेंज मेथड है, दिस मेथड आल्सो कॉल जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं। जियोलाइट क्या होता है बेटा, वैसे बता देता हूँ, एक तरह का ना सीप्स आपने पता ना जैसे चाय छाँकने वाला होता है, उसी तरह बेटा एक जियोलाइट होता है, ठीक है ना। ये इस मेथड को जियोलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट होता है, क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को क्या हम जियोलाइट, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या करते हैं, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को कैन रिटन एस NaZ, ठीक है ना, NaZ लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। व्हेन दिस एडिड इन हॉट वाटर एक्सचेंज एक्शन टेक प्लेस, एक्चुअल में होता क्या है बच्चे कि जो जियोलाइट होता है ना उसके अंदर क्या होता है, सीप्स होते हैं, ठीक है ना, ओर्स होते हैं छोटे छोटे। तो एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे आप डालोगे ना, ठीक है, अब देखो मेटल्स को क्या करेगा, वो अपने साथ जोड़ लेता है, ये देखो मेटल Z2। अब देखो जियोलाइट डाला, मेटल डाला, ये क्या करेगा, जो इसमें इनसॉल्वेबल इंप्योरिटीज अपने साथ जोड़ लेगा और सोडियम आयन को फ्री कर देगा। और वैसे ही पता हमारे वाटर में सोडियम क्लोराइड की कुछ ना कुछ क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, चाहे वो काफी कम क्वांटिटी में पर प्रेजेंट जरूर होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमने करना है, और आपके सिलेबस में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है और एक और टॉपिक नहीं है जो पीछे मैंने गलती से आपको करा दिया था, तो वो आप देख लेना थोड़ा सा। इसके बाद है स्टोरेज, नहीं ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, इसका यूजेस भी नहीं है, इस साल के लिए नहीं है, ठीक है, वैसे है पर इस साल के नहीं। अब नेक्स्ट है बच्चा हैवी वाटर मतलब D2O, ठीक है ना। और इसको एक्सटेंसिवली कहाँ यूज करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा इसको कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और उस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं लैब्स में होते हैं जिनमें इन्हें यूज होता है, ठीक है ना। और इसे स्टडी करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब कि रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, एक्सेट्रा, उनकी स्टडी करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर बाय द एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें क्या करते हैं प्रिपेयर क्या करते हैं, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और बाय प्रोडक्ट ऑफ सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, मतलब क्या करते हैं, या तो कुछ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, पानी के साथ तो ये बनता है, या तो क्या करते हैं कि बायो प्रोडक्ट, मतलब कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहाँ खाद बनता है ना बच्चे केमिकल वाला, तो उनमें भी ये एज ए बायो प्रोडक्ट, मतलब साइड प्रोडक्ट के तौर पे बनता है, ठीक है। और इसको यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड, ठीक है, मतलब क्या करते हैं CaC2 को, जब अभी देखो D2O में क्या है, हमने बस हाइड्रोजन क्या रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया D से, ठीक है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे बच्चे तो क्या होगा कि CaC2 और D2 एक साथ हो जाएगा और CaO2 एक साथ हो जाएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वैसे यहाँ पे डी की जगह एच की जगह डी है, बस बाकी सेम रिएक्शन है। तो उसको बाद में आपने क्या करना है, SO3 मान लो आप उसमें SO3 डालते हो और D2O फिर डालते हो, तो ये बना देगा, ये रिएक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इसके बाद जो मेन है बेटा, जो आज का आप कह सकते हो कि ये डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इन फ्यूचर में क्या देखा जा रहा है कि अर्थ पे काफ़ी क्वांटिटी में हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो साइंटिस्ट रिसर्च में लगे हुए हैं किस तरह हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल। तो अगर ये ऐसा हो जाता तो ये हमारे इकोनॉमिक की और जो पेट्रोल डीजल पे हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो उसकी भी डिमांड काफ़ी कम हो जाएगा,
देखो फर्स्टली क्या है, डाइहाइड्रोजन रिलीज लार्ज क्वांटिटी हीट इन कंबशन। जब भी बेटा हाइड्रोजन जलता है तो वो काफ़ी क्वांटिटी में हीट रिलीज करता है, और ये जो रिलीज करता है ये लाइक एलपीजी एक्सेट्रा की तरह ही होता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, मिथेन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और आप फॉर द टेबल, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डाइहाइड्रोजन जो होता है, अगर मैं बेटा बात करूँ सीएनजी पेट्रोल डीजल के मुकाबले, डाइहाइड्रोजन जो होता है बेटा कम जो होता है वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा। अगर हम मैं बात करूँ कि ये, अगर ये बेटा एक तरह का हम ऐसे बोल सकते हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस है। मीन्स कि क्या करोगे, अगर आप इसे जलाओगे भी तो आप इजली इसे जितना मर्जी टाइम मतलब जितना ज़्यादा जला लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्वायरमेंट को ये हार्म नहीं करेगा। और एक बात देख लो कि जितने टैंकी में आप, अब मान लो आपके कार की टैंकी है, जितने टैंकी में आप 30 लीटर जितने मान लो कि आप अपनी टैंकी में बेटा 10 लीटर ही पेट्रोल डलवा सकते हो, तो उतने ही टैंकी में उतने ही स्पेस में आप 30 टाइम्स ज़्यादा डाइहाइड्रोजन को कंप्रेस करके डलवा सकते हो, ठीक है। डाइहाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में जब से बेटा ठंडा किया जाए 20 केल्विन पे, ठीक है ना। और ये एक्सपेंसिव इंसुलेशन, और बट इसको क्या होता है बेटा, इंसुलेशन चाहिए ताकि इसका हीट ना बढ़े, क्योंकि हीट बढ़ेगा दोबारा गैस में कन्वर्ट होने लग पड़ेगा, ठीक है। टैंक्स, और इसके टैंक बनते हैं बेटा NaNi5TiTiH2 का, MgMgH2 एक्सेट्रा का बनता है, ठीक है। और उसको, इसको क्या करते हैं बेटा, इसको जो होता है एज ए स्टोरेज टैंक के रूप में यूज़ करते हैं। और आप, अब जो मैंने आपको जियोलाइट पढ़ाया था ना, जियोलाइट भी एक ऐसा मटेरियल है जिसको एज ए स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन में यूज़ करते हैं। और इसका थोड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये इजीली अभी भी कंट्रोल में नहीं है, बट अभी भी जापान में बेटा क्या है कि हाइड्रोजन की गैस यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया कि एक कुछ बसें चलाई है, अभी तो बेटा बसें चल रहा है, उनका रिसर्च चल रहा है उस पर, देख रहे हैं करके कि क्या ये पॉसिबल है, ठीक है ना। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड गैसेस, मतलब वो अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे देन इसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या, ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड नॉट रिलीज इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम सीधा ही इसे हाइड्रोजन गैस के रूप में यूज़ करेंगे, ना कि इससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग क्या करें, अक्टूबर 2005 में ऑटोमोबाइल्स इनिशियली 5% हैज बिन मिक्स, और 2005 में कुछ कंट्रीज के साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि 5% डाइहाइड्रोजन यूज़ करते हैं किसमें, सीएनजी मिक्स करके, और गाड़ी हम चलाते हैं, ठीक है। और कई तरह से कई जगह पे तो बेटा किया हुआ कि जब यूज़ किया गया तो इसकी जो गाड़ी की एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज हुई टाइम के साथ, ठीक है। और ये तरह हम ऐसे मान सकते हैं कि बच्चे ये क्या है, एज ए फ्यूचर फ्यूल भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर